चाय के साथ निमकी खाने का मज़ा कुछ और ही होता है और ये आप घर पे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, आज का हमारा रेसिपी है निमकी, तो देखते हैं कैसे बनता है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ एक पैकेट मैदा ले रहे हैं, फिर इसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा आपको डालना है मैदा में, एक चम्मच मंगरेल जवाइन, नमक स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। सबको ठीक से मिला लेना है आपको, इसको अच्छी तरह से आपको मिला लेना है। फिर आपको मैदा में 2 बड़ा चम्मच आपको रिफाइंड डालना है इसमें, इसको ठीक से आपको मिला लेना है। और जैसे हम लोग आटा सानते हैं उस तरह से इसको आपको सान लेना है ठीक से। देखिए अच्छी तरह से इसको आपको सान लेना है। ये आपका हो गया है। अब इसको आपको पतला पतला आपको बेल लेना है। देखिए जितना आप पतला इसको बेल सकें उतना आपको उसको बेल लेना है। और फिर इसको आपको निमकी के शेप में काट लेना है ठीक से। देखिए इस तरह से आपको निमकी के शेप में आपको उसको काट लेना है। अब कढ़ाई में आपको 250 ग्राम रिफाइंड लेना है और इसको आपको रिफाइंड में डाल देना है। देखिए इसको अच्छी तरह से छान लेना है आपको, बस यही करना है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। मेन टाइम आपको उसको बस बेलने में लगेगा कि इसको आपको बहुत पतला बेल के काटना है, ज़्यादा मोटा बेलिएगा तो मोटा हो जाएगा, तो जितना पतला आप बेल सके पतला बेल कर ही इसको काटना है। देखिए ये आपका अच्छी तरह से फूल जा रहा है, ठीक से फूल जा रहा है आपका, ये अच्छी तरह से इसको आपको छान लेना है। ये आपका निमकी हो गया है, अब इसको निकाल लेना है। ये आपका निमकी बनके तैयार है।
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।